मधुलिका, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने पहले अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो गया और आप जो है एक ऑफिसर बन गई हैं बीपीएससी 64 के थ्रू जो है। तो और आपको साथ के साथ इस प्रोग्राम में सक्सेस स्पीक्स में आपको स्वागत है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है ताकि जो भी कैंडिडेट अपने सक्सेस के जर्नी में जो कुछ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो सीखा, वो फिर आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट से साझा करें ताकि आपको देख करके वो भी कुछ इंस्पायर हों और आपसे सीखें। तो सबसे पहले मधुलिका, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपकी फैमिली में कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाली हैं और साथ के साथ में आपने पढ़ाई लिखाई कैसे की, थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। सर, मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर डिफेंस में थे, एयरफोर्स में थे वो, तो मेरी परवरिश हमेशा इधर उधर ही हुई है। हम लोग एक जगह कहीं रहे नहीं है, ट्रांसफरेबल जॉब था, तो ऑल इंडिया टूर एक तरह से हमारा हमेशा चलता ही रहा है। फाइनली रिटायरमेंट के बाद हम पटना सेटल हो गए थे। उसके बाद में स्कूलिंग आर्मी स्कूल दानापुर कैंट से हुई। मैंने डिसाइड उसी वक्त कर लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊंगी। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम दिया था जो नॉर्मली सभी देते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग का, तो मैंने भी एग्जाम दिया। बीसीसीई में मेरी अच्छी रैंक आ गई और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ पे भी एग्रीकल्चर कॉलेज मिल गया था। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है एग्रीकल्चर में। उसके बाद फिर 2012 में मैंने फिर शादी की एंड लेटर ऑन अभी मेरे पास 2 बेबीज हैं। और क्योंकि मैंने हमेशा टारगेट रखा था कि सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, तो फिर 2017 के बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड फाइनली अभी मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छी बात है मधुलिका, ये तो बड़ा सराहनीय है कि लोग तो लड़कियां खास करके सबसे ज्यादा डरती हैं कि हमारे पिताजी माँ बाप जल्दी शादी ना कर दें, हमारा करियर खराब हो जाएगा, और एक आप हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया कि फैमिली लाइफ में तो सेटल होना, क्यों ना पहले मैं मैरिज करके जो अपनी फैमिली उसको कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद अपनी रेस में लगती हूँ। तो ये बड़ा ही इंस्पायरिंग हुआ उन लड़कियों के लिए जो शादी और इन चीज़ों को लेकर के अपने लिए एक हडल समझती हैं, ये रुकावट होती है, राइट। तो ऐसी स्थिति में अब मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत बड़ा कॉपरेशन चाहिए होता है फैमिली का, खास करके इन लॉज का, हस्बैंड का, तो ये सारा चीज़ें आपने क्या पहले डिसाइड कर लिया था, या जो आपके वुड बी हस्बैंड थे उसकी उनके साथ पहले बात हो गई थी फैमिली से, या बाद में आकर कन्विंस किया आपने लोगों को? नो सर, मैंने पहले ही बता दिया था सबको कि मैंने ऐसी प्लानिंग की हुई है, अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे तभी मैं शादी करूंगी, क्योंकि मेरे लिए सपना फर्स्ट है, क्योंकि और उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकती। अच्छी बात यह है कि फर्स्ट डे से सबने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम्स तो रहते ही हैं, पर सबका सपोर्ट हमेशा रहा और सपोर्ट रहा तभी मैं यहाँ हूँ, अदरवाइज तो मुश्किल ही होता है फैमिली लाइफ में 2 बच्चों के साथ भी करना। ये तो आपके हस्बैंड करते क्या हैं? सर, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर हैं। अच्छा, वो ऑलरेडी जॉब में हैं। यस, वेरी गुड। तो आप अपने इन-लॉज और उसके साथ साथ अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, बहुत सराहनीय है आपका ये एफर्ट है। आप ये बताइए कि सबसे पहले ये आइडिया है, जब क्योंकि शादी की प्लानिंग से पहले आपने ये प्लानिंग कर ली थी, तो ये बीपीएससी के द्वारा ये ऑफिसर बनने का जो ख्याल है वो कहाँ से और कब आया? सर, मैंने इसकी प्लानिंग तभी की थी जब मैं बहुत छोटी थी। एक्चुअली मैं किसी भी चीज़ को देखती हूँ तो मेरा एक नेचर है कि मैं उस चीज़ के प्रति बहुत सेंसिटिव होकर देखती हूँ, और जब मैं बाहर जाती थी तो वेरी ऑनेस्ट मैं करप्शन देखूं, ट्रैफिक देखूं, या फिर लोगों का ये बिहेवियर देखूं कि दे आर यूजिंग प्लास्टिक्स, स्पीटिंग ऑन द रोड, या फिर कोई भी चीज़ ऐसा देखती थी तो मुझे हर्ट होता था बचपन में ही। तो मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। ये तो समझ में आ गया था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बन के काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ अलग करना है। तो ये मुझे पता था कि अवेयरनेस इज द नीड। Right. तो सही तरीका क्या होगा, कैसे मैं ज्यादा अवेयरनेस कर सकती हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ही अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि ये नीड ऑफ द सोसाइटी है और शायद सिस्टम को मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं इस एंगल से सोच पा रही हूँ। हालांकि अभी तक की मंजिलें बाकी हैं, लेकिन अभी आपका सिलेक्शन रैंक के हिसाब से SC ST वेलफेयर ऑफिसर के लिए हो गया है, तो जब तक कि अपग्रेड होती नहीं है दोबारा आपको और अटेम्प्ट, अभी अटेम्प्ट लेंगे आगे ना एग्जाम में आपके लिए? सर, एक्चुअली मैंने हमेशा IAS का प्रिपरेशन किया। ओके। तो अभी तक मैंने उसमें 4 अटेम्प्ट्स किए हैं, अनलकीली आई मीन कि मैं क्लियर नहीं कर पाई। तो मैं थोड़ा सा UPSC सिविल सर्विस के 4 बार दे चुके हैं, ठीक है। यस सर, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ होने लग गया था थोड़ा, मुझे लगा कि मैं कहीं आती भी हूँ कि नहीं रेस में, बस मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग गई। तो मैंने बस बीपीएससी सोचा अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं हूँ कहाँ, कर पा रही हूँ कि नहीं। तो मैंने एक अटेम्प्ट दिया और टू बी वेरी ऑनेस्ट सर मैंने कुछ सीरियसली नहीं पढ़ी, बस अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कोई भी एग्जाम कर सकती हूँ कि नहीं, बस मैंने वो चेक करने के लिए अटेम्प्ट दिया। और फाइनली जब ये मिला तो बूस्टअप हुआ कि हाँ कहीं तो हूँ, ट्रैक पे ही हूँ, थोड़ा स्लो है पेस पर ट्रैक पे ही हूँ। आपको ये क्लियर हो गया कि देर है, देर हो रही है लेकिन दुरुस्त होगा, जरूर होगा, है ना, देर नहीं है। yes, sir. तो ये 4 अटेम्प्ट के बाद तो आपकी तैयारी एक्चुअली एक लेवल पे तो हो ही गई है, तभी आप इसमें बीपीएससी में क्वालिफाई कर पाई। तो अभी आगे जो है आप आगे बीपीएससी को परस्यूज करोगे थोड़ा हायर रैंक के लिए, या आप यूपीएससी के लिए फिर से ट्राई करेंगे, क्या करना चाह रही है? नो सर, मैंने बस ये चेक करने के लिए ही दिया था, तो मैंने दूसरा कोई अटेम्प्ट नहीं इसमें ट्राई किया है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ फोकस की हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से फोकस बहुत क्लियर रहा है, स्कूल टाइम से ही मैंने अपनी लाइफ को ही उसके अकॉर्डिंग प्लान करके रखा था। तो अभी भी एकदम फोकस क्लियर है कि यूपीएससी ही देना है, नथिंग एल्स। हाँ, बस इतना भी पता है कि अगर जो भी सर्विस मुझे बीपीएससी के थ्रू मिली है, जब तक रहूंगी उसके साथ ऑनेस्टली जस्टिफाई करूंगी उस पोस्ट पे। बहुत अच्छी भावना, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कमिंग ईयर, इस बार आप एग्जाम दे रही हैं आप यूपीएससी की? यस सर। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप एक सिविल सर्विसेज यूपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में एक अच्छे रैंक के साथ मेरे साथ बैठेंगी, उसमें भी इंटरव्यू ले रहे होंगे। पर फिलहाल जो है आगे बढ़ने से पहले हम आपको पूछें कि आज के दिन में आप SC ST वेलफेयर के लिए ज्वाइन करने जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, तो आपको क्या दिखाई देता है कि उसमें जाकर के आप क्या कर सकते हैं, और आपके अभी कुछ दिमाग में बात आई इसकी सर? ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बचपन से मैं वो चीज़ ऑब्जर्व की हूँ, मुझे ये समझ में आता है अपने लेवल से कि हर जगह जो चीज़ नहीं है वो है अवेयरनेस, जो चीज़ लैकिंग है वो है अवेयरनेस। अगर SC ST में भी मतलब एज अ वेलफेयर ऑफिसर अगर हम वहाँ पे भी जाते हैं और उन लोगों को भी उनके स्कीम्स एंड ऑल बताते हैं, उन्हें अवेयर कराते हैं कि आपके लिए ये सब चीज़ें हैं, तो आई थिंक ये काफी होगा, क्योंकि दे विल रेज डिमांड, और जब वो अपने राइट्स के लिए डिमांड करेंगे तो हमें इम्प्लीमेंट करना ही है, वी हैव नो चॉइस। और सर मेरे ख्याल से वो चेंज कर सिस्टम को उस थोड़ा सा चेंज तो हो सकता है वहाँ पे। तो ये कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटेजी मैंने सोची हुई है। ओके, बेसिकली खैर ट्रेनिंग के दौरान आपको और कुछ सिखाया जाएगा कि क्या है और कैसे आपको अपनी सारी जो वेलफेयर से रिलेटेड जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, चीजें हैं, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये सब चीजें आपको, और या जिसके लिए जागरूकता बढ़ाएंगी ये सब आपको, या उनके खिलाफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के अंदर तो कैसे आप उसको जो हेल्प कर सकते हैं और आगे डिसीजंस ले सकते हैं। वेरी गुड। आप थोड़ा प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैंने कुछ खास पढ़ाई की नहीं, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बैठ गए, सिलेक्शन हो गया, राइट। बट फिर भी जो लोग आपको वॉच करें उनकी जिज्ञासा होगी कि भाई यूपीएससी में तो बहुत लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन नहीं होता सबका सिलेक्शन। तो अब आपका अनुभव हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो प्री में क्वालिफाई कर पाई, उसके लिए कुछ तो किया होगा जिससे आपको, या जो पिछले पढ़ाई से जो आपको जो स्ट्रैटेजी जो टेक्निक आपने यूज किया उसको बताइए थोड़ा सर। क्योंकि मैं बचपन से ये ड्रीम देखा था, तो एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे साथ था कि मैंने अपने स्टडीज जो बहुत सिंसियरली की थी। तो ये हम देखते हैं कि सिलेबस तो हमारा NCERT एंड ऑल ही होता है 12 तक का। तो मैंने उस वक्त, बाय गॉड ग्रेस आई हैव गुड मेमोरी, तो उस वक्त ही मैंने जो की है वो काफी हेल्प करता है मुझे, और उस वक्त ही मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई की थी। तो ये मुझे काफी हेल्प किया। उसके बाद में यहाँ जो मैं प्रीलिम्स दे रही थी, तो प्रीलिम्स के एक वीक पहले मैंने कुछ टेस्ट सीरीज देखे थे। तो क्योंकि मुझे बिहार का कोई नॉलेज नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, तो बस मैं उस चीज़ को देखने के लिए कि सिलेबस क्या है और क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, मैंने 5 और 6 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। और उसके लिए फिर एक्चुअली आपने ऑलरेडी यूपीएससी के नाम पर काफी पढ़ाई कर ली होगी, उसके हिसाब से थोड़ा रिवीजन हो गया तो उसका बेनिफिट, यस सर, बस उसका बेनिफिट हो सकता है। बाकी आप जो आप फिर भी आगे कैंडिडेट को ध्यान रखने के लिए जो आप बोलेंगी कि आप प्री एग्जाम देने जा रहे हो, आगे कोई और कैंडिडेट है या इस एग्जामिनेशन का आप जानती जो आप आगे ध्यान रखेंगी जो है यूपीएससी में भी इस चीज़ का फायदा उठा के। तो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए खास करके बीपीएससी में फ्यूचर कैंडिडेट को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, फर्स्ट थिंग है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें और फिर उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करें उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें डिमांड पता चलती है कि सिलेबस मतलब क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है कमीशन। उसके बाद में फिर हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को देखें कि हाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसके बाद फिर हम आगे प्रिपरेशन करें। फाइनली जितने ज़्यादा हम मॉक दे सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट पेपर हमें सॉल्व करना चाहिए। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक होती है कुछ बेसिक प्रिकॉशन कि क्या हम सही आंसर लगाएं, सारे क्वेश्चंस हैं क्या, कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी है सर। ये तो एक बेनिफिट है बीपीएससी के साथ में कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है हमारा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जितना मन उतना। यूपीएससी के साथ में ये थोड़ा इशू होता है कि वहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, मिनिमम रिस्क लेना पड़ता है, पर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण हम काफ़ी रिस्क ले सकते हैं और टाइम भी सफिशिएंट रहता है। 150 क्वेश्चंस रहते हैं 1 और 2 आवर्स। नहीं ठीक है, और अपने जो 2 आवर्स के टाइम में आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो यूपीएससी का तो आप कर ही रहे। तो आप ये बताइए कि उसमें जो क्वेश्चन है उसका कहने का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन जो उतना आते हैं ठीक है, लेकिन बाकी को भी वाइल्ड गेस एक इंटेलिजेंट गेस करके भी कंप्लीट कर देना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कोई छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को खाली नहीं छोड़ना नहीं चाहिए सर। जहाँ पे हमारा कोई रिस्क ही नहीं है वहाँ पे क्यों छोड़ें। और टाइम मैनेजमेंट के साथ टाइमली सब कुछ कंप्लीट कर दें। एक जो है पूरी प्रिपरेशन के दौरान में जो ना एक बड़ा इमोशनल चूंकि स्ट्रेस भी होता है, चूंकि आपने यूपीएससी दिया था कहीं कहीं यहाँ पे डाउटफुल हुआ होगा कि पता नहीं इसमें भी होगा या नहीं, लेकिन चलो देख लेती हूँ तो है। तो ये 4 साल का पीरियड जो अभी तक आपने मेंटेन किया हुआ है अपने जुनून को या कह लीजिए कि अपने मोटिवेशन को, वो कैसे मेंटेन किया हुआ आपने? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी 4 अटेम्प्ट में नहीं होने के बाद, तो मैंने बीपीएससी के लिए सोचा। लेकिन इसमें मोटिवेशन के लिए हमेशा मेरे बच्चे रहे हैं साथ में सर। मैंने बच्चों को बताया कि मैं किस चीज के लिए पढ़ाई कर रही हूँ तो वो हमेशा मुझे बूस्टअप करते रहे। अगर मैं कभी बैठ जाऊँ। आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? क्या क्या ये सर जो बड़ा वाला है वो 9 ईयर्स का हो गया। अच्छा। और जो छोटा वाला है वो 7 ईयर्स, अभी मतलब 6+ है वो सर। तो वो आप शेयर करती हैं सब बातें? अच्छा। ऑफ कोर्स सर मैं पूरा शेयर करती हूँ। इनफैक्ट मैंने क्या क्या सोचा है, मैं रोड पे चलती हूँ जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करती थी बचपन में, मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे भी वो चीज़ ऑब्जर्व करें। और ऑफ कोर्स सर वो ज़रूरी है कि हम शेयर करें क्योंकि हमारी डबल जिम्मेदारी होती है। एक मेल के कंपैरिजन में अगर देखें तो फीमेल को दोनों चीज़ देखना है। तो मैं जो भी करती हूँ मैं बच्चों को पूरा इन्वॉल्व करती हूँ, हर चीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ, यानी अपनी स्टडीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ। और क्यों कर रही हूँ उनके दिमाग में ज़्यादा फिट है। तो मैं कभी भी डेविएट होती थी तो दे यूज्ड टू से कि मम्मा आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा आगे आपसे कह रहा है कि आपको पढ़ना नहीं है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं, आपको पढ़ना ही है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बच्चों को केयर करने में अपने घर में फैमिली में आपके जो लॉज है वो लोग सब केयर करते होंगे? जी सर, काफ़ी मदद रही है सबकी क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो बच्चों की डिमांड्स तो सर छोटे बच्चों की डिमांड्स हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते उसमें। और हर 15-20 मिनट डिमांड होते ही रहते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो अगर फादर इन लॉ का सपोर्ट नहीं रहता और हस्बैंड का सपोर्ट नहीं रहता तो शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी एटस्टेप सेट बनाती थी तब तो दे यूज्ड टू कोऑपरेट कि नहीं अभी 2 आवर्स नहीं। बहुत अच्छी बात है कि घर में और इन लॉज तो हैं ही, हस्बैंड हैं, साथ साथ आपके छोटे बच्चे जो हैं वो भी आपके लिए एक तरह से मोटिवेटिंग फैक्टर्स बन गए। वेरी गुड। अच्छा आप ये बताइए कि मधुलिका की ये मेन एग्जामिनेशन की जो कि राइटिंग करना है स्किल है जो आपने तैयारी की है उसके कैसे यूज किया तो वो आप थोड़ी टेक्निक आप शेयर कीजिए। ओके सर, बीपीएससी के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। मैंने बिल्कुल मेरा माइंडसेट था कि प्रीलिम्स हो गया इट्स ओके, मेंस में मैं कहाँ आती हूँ बस मैं मुझे ये चेक करना, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड यूपीएससी का ही रहेगा। तो यूपीएससी में है कि हमारे पास वर्ड लिमिट रहता है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड लिमिट नहीं रहता है, काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों चीज़। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, इसमें क्वेश्चन कम रहते हैं लेकिन लिखना ज़्यादा पड़ता है। पर मैंने यूपीएससी का पैटर्न ही फॉलो किया, थोड़ा सा एग्जैजरेट करके मैंने लिखा होगा, मुझे लग रहा है कि 2-3 पेजेस हार्डली लिखे होंगे, 3 पेजेस और थोड़ा ज़्यादा। लेकिन जो फ्लो चार्ट और एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हम यूपीएससी का पेपर लिखते हैं डिफरेंट डायमेंशंस को टच करते हुए, मैंने वही फॉलो किया कि 1 और 2 लाइन ही लिखना है लेकिन सारे डायमेंशंस को टच करना है। सोशल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी वाला सारा पार्ट मैंने उस तरीके से उसको किया। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया था मैंने, डायग्राम्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी यूज़ की थी, तभी मुझे लग रहा है कि इतना कम लिखने पर भी थोड़े ढंग के मार्क्स आ गए। एक्चुअली आपने बहुत वही प्रिसाइज एंड वही स्टाइल जो आप यूपीएससी में करते आपने यहाँ भी यूज किया। यस सर, बस मैंने मेंस में ये ऑप्शनल में थोड़ा सा चेंज किया। ऑप्शनल में मैंने एक टेक्निक लगाई थी कि मैंने क्वेश्चन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं, सब क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें मैंने क्या किया सारे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा लिख दिया था। सारे क्वेश्चंस को उनके एक पार्ट टू पार्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैंने सब में कर दिए, लेकिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिखना है क्योंकि वो डिमांड है। तो फिर मैं क्या करती थी कि सारा करने के बाद में उसके बाद मैंने लेटर ऑन सब में कि हाँ कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दूँ, कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दूँ, ये स्ट्रेटजी मैंने ऑप्शनल में लगाई थी। आपने ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट रखा था? आप ऑप्शनल की चर्चा करें। मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर ही था क्योंकि मैंने सारी चीज़ें शुरू से प्लान रखी थी, इसलिए एग्रीकल्चर पढ़ने का मेरा पर्पस ही ये था कि मैंने उसमें ग्रेजुएशन किया था। यूपीएससी में एग्रीकल्चर रख रही है? जी सर, उसमें मेरा ऑप्शन एग्रीकल्चर है। ओके, तो उसको आपका चूंकि बैकग्राउंड का भी था आपने उसमें लगाया, लेकिन अभी आप राइटिंग प्रैक्टिस उसमें कुछ ज्यादा की होगी आपने? सर वैसा अभी बहुत ज्यादा मौका नहीं मिल पाया क्योंकि कहीं टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन एग्रीकल्चर के साथ में ये ड्रॉबैक है कि उसका टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, ज्यादा मटेरियल्स भी बहुत कम है। वो मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी उसकी क्योंकि पहले से दिमाग में सर, तो इसीलिए मैं वो कर पाई। नोट्स मैंने खुद से बनाए थे, वो बेनिफिट हुआ मुझे, पर एग्रीकल्चर की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ। अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर जिसको कहते हैं वो कितने घंटे को थी नॉर्मली? सर एक हाउसवाइफ के लिए तो सुबह का 3 आवर्स तो चला ही जाता है। तो सुबह में मैं उठती थी, सुबह 6 बजे उठने की आदत है, तो 6 बजे उठ के फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड ऑल मैं रेडी करने के बाद मुझे 10 बजे के बाद टाइम मिलता था। 10 बजे से लेके 1 बजे तक सीरियसली स्टडी करना है, उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बच्चे स्कूल में रहते थे, वो मेरा 3 आवर्स मिल जाता था। फिर बच्चों के स्कूल से आने के बाद में उन्हें खिला-पिला के सुला देती थी, फिर मुझे है वो 2:30 बजे से लेके 5:30 तक, मतलब ये 6 आवर्स मेरे पास रहते थे जिसको मैं मतलब यूज़ कर पाती थी अपने हिसाब से। और रात को सोने के समय फिर आपको 10 o'clock के बाद ही टाइम मिल सकता है, तो 10 से 12 मेरी एक उस वक्त रिवीजन का पार्ट रहता है जिसमें मैं रिवाइज करती हूँ, और ये 6 आवर्स मैं अपने स्टडीज में जिसमें मैं 3 आवर्स ऑप्शनल को देती हूँ और 3 आवर्स जीएस को सबको बैलेंस करते हुए अपने बहुत अपनी सिस्टमैटिक शेड्यूल रखा। अब थोड़ी सी बात आपके जो हम करते हैं इंटरव्यू को लेकर के, क्योंकि इंटरव्यू में तो पहली बार आप जा रही, आप ये तो नहीं कहेंगे कि इंटरव्यू के लिए भी कोई तैयारी नहीं करी सीधे चले गए? नो सर, इंटरव्यू जब मेरा ये हुआ तो मुझे लगा कि नहीं अब जब हो गया तो इंटरव्यू के लिए करना चाहिए। मुझे चाणक्य मतलब दूसरा कुछ हिंट नहीं किया, मुझे लगा कि नहीं फर्स्ट मुझे चाणक्य जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं वहाँ गई, मैंने कॉल किया उस वक्त क्योंकि अभी लॉकडाउन एंड ऑल उस वक्त चल रहा था, तो सर ने फिर बोला कि आप आके यहाँ पे ज्वाइन करके देखिए। मैंने किया तो काफ़ी हेल्प मिला मुझे, और उसमें भी मैंने एक स्ट्रैटेजी लगाई। स्ट्रैटेजी ये लगाई क्योंकि सर हमें क्वेश्चन हम पढ़ के जाते हैं, हमें मालूम है तो हम उसका आंसर कर पाते हैं, लेकिन हम उस वक्त क्या रिएक्ट करेंगे, उस वक्त हमें क्या बोलना चाहिए, जब हम कुछ नहीं जानते हैं। तो मैं मॉक का जो प्रिपरेशन करती थी, जब मॉक देने जाती थी तो मैं एकदम कुछ नहीं पढ़ के जाती थी। इनफैक्ट अगर कुछ आता भी रहता था तो मैं कोशिश करती थी कि गलत रिप्लाई जाए ताकि मुझे फीडबैक सही मिल सके कि मुझे इस पर रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहे वो तो मालूम नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था, क्योंकि 5-6 ईयर्स आप घर में रह रहे हो, इंटरेक्शन कुछ नहीं है, किसी से नहीं है, सिर्फ इन लॉज से बात करना है तो जी हाँ जी ना यही हम बात कर पाते हैं। तो एक तो इंटरव्यू का कोई आइडिया नहीं था। तो फाइनली मुझे बहुत हेल्प मिला। मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया था और मुझे चाणक्य से सच में बहुत हेल्प मिला। ओके, चाणक्य पटना सेंटर के आपके नजदीक भी था तो आप वहाँ गई, राइट? जी सर। तो वहाँ आपको एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर मिला हुआ, कैसे हम लोगों से बात करनी है, क्या करनी है। जी सर। उसमें से वहाँ के सेंटर हेड वगैरह सबसे बातचीत होती थी आपकी लगातार? नहीं सर, मैं क्योंकि मुझे ज्यादा करके इश्यूज थे कि मैं फिजिकली प्रेजेंट होके इंटरव्यू दूँ। राइट। सारी चीजें इम्पोर्टेंट है कि हम मतलब दिखते कैसे हैं एंड ऑल। तो उन्होंने तो मेरे व्यूज वगैरह स्ट्रक्चर किए ही कि आपको इस पे ये आंसर करना है, इस टाइप से सोचना है, उसके साथ में क्या पहनना है, क्या मतलब काफी मतलब मुझे लगा कि काफी हेल्पफुल है। एटिकेट से लेकर के सारा कम्युनिकेशन समझाया गया आपको। एग्जैक्टली सर। चाणक्य एकेडमी का लगभग 30 साल समझ लीजिए, 28 से 30 साल की ये इनोवेशन है कि इंटरव्यू के दिन में फाइनल फिनिशिंग दिल्ली से, और वही स्टैंडर्ड हम अपने बाकी सेंटर्स में भी मेंटेन कर रहे हैं ताकि आपको उस तरह का गाइडेंस मिल सके। कौशलेंद्र कुमार, मैं 64वीं बीपीएससी में 91st रैंक के साथ चयनित हुआ हूँ। मैं चाणक्य आईएएस के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उनका जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसकी 2 सबसे बड़ी खासियत है, एक टाइम मैनेजमेंट और एक कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक। अक्सर क्या होता है कि आप मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपको घंटों वेट करना पड़ता है, आपको पहले बुला लिया जाता है, आपका टाइम किल होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इतना स्पेसिफिक है चाणक्य आईएएस का। मुझे याद है कि मैंने 3 मॉक किया है और तीनों मॉक के लिए मुझे 5 मिनट से ज़्यादा वेट किसी भी मॉक के लिए नहीं करना पड़ा। मैं टाइम पे जाता था, मॉक देता था, मॉक के बाद मैं इंटरव्यूअर से फीडबैक लेता था और आता था। फीडबैक की कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में इससे आपको बता सकता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में आपका बैकग्राउंड, आपकी जॉब और आपका ऑप्शनल जो बीपीएससी का रिक्वायरमेंट है, इसके तहत वो एक टॉपिक पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक देते हैं कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, किस टॉपिक को आपको तैयार करना है। और उनका इंटरव्यू बोर्ड का जो सेटअप है वो काफ़ी रियल फीलिंग देता है। खासकर जो उनके चेयरमैन सर थे शुभेंदु सर, उनका मैं नाम विशेष तौर पे लेना चाहूँगा क्योंकि उसमें स्पेसिफिक फीडबैक उतना प्रिकॉशन के साथ सब कुछ देखना, मुझे नहीं लगता कि हर जगह पे आपको ऐसा मिलेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम आपको चाहिए बीपीएससी के लिए तो प्लीज एक बार जरूर आप चाणक्य आईएएस जरूर करेंगे। थैंक यू। अब आप ये बताइए मधुलिका कि जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में गई तो उसमें जो है क्या मनोभाव थे आपके, कौन आपके चेयरमैन थे और चेयरपर्सन कौन थे और कैसे क्या शुरू हुआ था, थोड़ा बताइए। सर जब मैं इंटर की तो शुरू में तो सर बीपीएससी के गेट पर डर लग रहा था जब गार्जियंस को छोड़ा, लेकिन जब अंदर गई तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं कि फिर पता नहीं चला। और जब इंटरव्यू बोर्ड में अंदर में एंट्री की रूम में तो उस वक्त काफ़ी कोऑपरेटिव थे। जो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉक्स भी इतना दिया हुआ था, मैंने 3 मॉक्स दिए थे और वहाँ पे मैं गई तो मुझे कुछ पता नहीं चला। काफ़ी सिंपल सा इंटरेक्शन लग रहा था जैसे कि मतलब हम अपने घर में ही बात कर रहे हैं। चाणक्य वो प्रैक्टिस लगा उसी का एक्सटेंशन यहाँ हो गया, राइट? एग्जैक्टली सर। तो फियर बिल्कुल भी नहीं था। जैसे मैं इनफैक्ट मैं मॉक के लिए थोड़ा सा फियरफुल हो भी जाती थी, वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं लगा। वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर किया था और मेरे क्वेश्चंस लेकिन काफी इस टाइप के थे कि मैं फंस जाऊँ, तो मेरा स्ट्रेटेजी वहाँ काम किया था। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन थे जो लगा जहाँ फंस सकते हैं या पूछे गए आपको? सर क्वेश्चंस लाइक उन्होंने डायरेक्टली पूछ दिया था कि ये आपको कैसे लगता है कि कोविड कैसे फैला है, तो मैंने बोला कि ड्यू टू माइग्रेंट्स एंड मैं जमाती वाला जो इशू था मैं उसको नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि इंटरव्यू में वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता था। पर उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि कोई जमाती थे? मैंने कहा कि सर ऐसा कहा जाता है कि तबलीगी जमातियां रिस्पॉन्सिबल, न्यूज में ऐसा आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने कहा तो आप भी मानते हो ऐसा? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि जब तक मुझे एविडेंस नहीं मिलता है मैं उस चीज को नहीं मानती हूँ। और किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक के लिए हम ब्लेम कर रहे हैं तो हमारे पास अच्छे से एविडेंस होने चाहिए। तो उन्होंने वो तुरंत मुझे काउंटर कर दिए, बोले कि अगर ऐसा है तो फिर रेप कैसे होते हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए तो आप उनको भी नहीं करोगे। मैंने कहा सर वो दोनों अलग चीज है, एक जगह पूरे कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हो, एक जगह एक पर्सन है। और जहाँ पे रेप केसेस है, एक्चुअली उन्होंने एक माइनर रेप केस कोट किया था, तो मैंने कहा माइनर रेप केस में तो 100% जो है उस जो जिसका ब्लेम हुआ है उसको प्रूफ करना है कि मैं इनोसेंट हूँ। वो तो बाय डिफॉल्ट ही वहाँ पे मतलब कल्प्रेट है, लेकिन हम पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल सकते। मुझे नहीं पता कि वो कन्विंस हुए या नहीं हुए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मैंने थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको बोला था। अच्छा, तो ये तो मैं इसका तो मैं क्रेडिट सिर्फ चाणक्य को ही दूंगी, क्योंकि इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस मेरे सामने आए थे जिसको मैंने वहाँ पे डील किया था। अच्छा, वो तो प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी मॉक इंटरव्यू चाणक्य में कर लिया था। तो ये कोई ऐसी चीजें जहाँ थोड़ा ह्यूमरस माहौल बना हो, लाइटर बना हो, ऐसा भी कुछ हुआ होगा? हाँ, ऐसा भी 1-2 बार हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा और मैं वहाँ पे ब्लैंक हो गई थोड़ी सी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप, मेरी हॉबी एक्चुअली गार्डनिंग है, और गार्डनिंग में मैं थोड़ा फॉलिएज प्लांट्स जो होते हैं वो लगाती हूँ स्पेसिफिक, क्योंकि हम पटना में रहते हैं, पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसमें ज़्यादा करके वो ऑक्सीजन वाले प्लांट्स लगाती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप गार्डनिंग करती हैं तो समर के प्लांट्स बताइए। मैंने कहा सर मैं फॉलिएज प्लांट लगाती हूँ, वो सालों भर चलते हैं। तो उन्होंने कहा फिर भी आप बता सकती हैं? मैंने कहा सर मैं गार्डनिंग, मैंने हॉर्टिकल्चर में नहीं किया ग्रेजुएशन मेरा, मैं एग्रीकल्चर के सब बता सकती हूँ। फिर वो एक साथ हंसने लग गया सब कोई। उन्होंने कहा अच्छा एग्रीकल्चर बता सकती है? मैंने कहा यस सर मैं एग्रीकल्चर बता सकती हूँ कि फील्ड में कौन कौन से क्रॉप्स कब कब होते हैं, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। तो ये एक छोटा सा था जिसमें सब हंसने लग गए थे। यानी अच्छी है कि आपने बहुत कॉन्फिडेंटली जो जानती है उसमें आप नर्वस नहीं हुए, आपने बहुत ही सहजता से उसको ऑनेस्टली रख दिया। बहुत अच्छा कि आपकी वैसे पर्सनालिटी प्लेजेंट है, आपने बहुत ही ढंग से उसको रखा होगा। अब मधुलिका आप ये बताइए कि ये सारी चीज़ों के बीच में कुछ फाइनल टिप्स जो कुछ कैंडिडेट को फ्यूचर में देना चाहेंगे, खासकर बीपीएससी, चूँकि आपकी मंजिलें अब यूपीएससी की ओर है, लेकिन जो आप देना चाहेंगे बीपीएससी के कुछ कैंडिडेट्स को वो थोड़ा बताइए कि क्या करें। सर मैं तो जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। एटलीस्ट ये बीपीएससी क्रैक करके तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी सिंसियरली फोकस होके इस एग्जाम के लिए मैंने किया रहता तो मैं भी बहुत अच्छे रैंक आ सकते थे मुझे। तो अगर मैं इजीली ऐसा कर सकती हूँ तो कोई भी थोड़ा सा भी मेहनत करके इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। बहुत अच्छा, चलिए आपको अपनी बातें रखने के लिए, बहुत ही सिंपलिसिटी ऑनेस्टली आपने बात रखी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप आगे करियर में ग्रो करें और जल्दी भी आप आईएएस भी बने। ठीक है, मेरी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.